नमस्कार दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 साल में आप लगातार काफ़ी मेहनत करते आ रहे हो और देखो जो आपने मेहनत की है कल उसी को आपको रिजल्ट में कन्वर्ट है वो करना है। अब देखो एग्जाम में आपको सारी चीज़ें पता है किस तरीके से आपकी अपनी स्ट्रेटजी वगैरह आपने पहले से प्रिपेयर कर रखी है, लेकिन कल की एग्जाम में आपको बड़े ही पेशेंस के साथ बैठना है। वो सारे जो क्वेश्चन जो आज तक हमने मेथड यूज़ किए हैं उन सबको बड़ी ही पेशेंस के साथ सोल्व करना है। आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जो कि आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क्स की तरफ लेके जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, जो भी आपने स्टडी की है उसी को आप कवर करते हुए चलो। आपको बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कल आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए पेपर के ऊपर, इसके अलावा आप किसी को भी नहीं जानते। कल आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है और पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है वो किस पे होना चाहिए, पेपर पर। पेपर के अलावा आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए। और जो भी हो, जितने भी आपने पीछे की मेहनत की है, जितने भी आपने ट्रिक्स वगैरह रखी हैं, सारों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को बखूबी से सॉल्व करना है। देखो प्रॉब्लम्स बहुत सी आती हैं एग्जाम टाइम में। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा था कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आपने पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत मेहनत की है और कल आपको उसी मेहनत को, मैंने आपको कहा ना, रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप सब लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कल आपका रिजल्ट, कल आप अपना फ्यूचर बनाओगे और वो फ्यूचर आपका नहीं, आपके आगे आने वाले जनरेशन और आपके परिवार सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल आपको पेपर को बखूबी से क्लियर है वो करना है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।